बात करेंगे यूपी टेट 2019 के प्रिपरेशन के बारे में। देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत 25 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। देखिए जो भी है, हिंदी की बुलेट ट्रेन भी चल रही है, उसके साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन की भी सीरीज हमने कंटिन्यू की थी, तो उसको हम फिर से आगे ले जा रहे हैं। हिंदी के भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, संस्कृत के भी, मतलब हर एक चीज की तैयारी काफी विशद और व्यापक तरीके से तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी। तो इस वजह से सभी लोग जुड़े रहिए, बने रहिए एजुकेशन मंत्रा के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख कौन करता है। तो इसका 121 का जो सही विकल्प होगा वो दूसरा होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए संसद द्वारा जो भी आवंटित होता है धन, उसकी देखरेख कैग यानी कि सीएजी के द्वारा की जाती है। देखिए यह सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहलाता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 6 से 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकता है, यानी कि 6 साल कंप्लीट करे या तो 65 वर्ष उसकी एज हो जाए तब तक वो कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, असम का बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो 122 का पहला विकल्प सही हो जाएगा कि असम का ये बिहू ये सही है, लोक नृत्य की बात कर रहे तो असम में बिहू। कुल मिलाकर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं किस प्रकार के होते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा 123 का सेकंड, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मधुबनी, ये बिहार की पेंटिंग है, तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बने हैं। देखिए मधुबनी के बारे में बताएं तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से निर्मित किए जाते हैं। इसमें हल्दी, नील तथा पेड़ पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों को भी प्रयोग किया जाता है। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो 124 का सेकंड ऑप्शन सही होगा कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, जेबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा। तो 125 का तीसरा विकल्प जो ये है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये विकल्प नहीं सही है, बाकी सभी के सभी सही है। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में की गई थी, अतः ये तीसरा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। शेष सारे विकल्प सही हैं अपनी जगह पर। 126 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पर्यावरणीय अध्ययन का घटक नहीं है। 126 का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर मंडल, वायुमंडल, मानव और जल मंडल, ये पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत आते हैं, जबकि सौर मंडल ये टॉपिक में नहीं है। फिर है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बेहद ही चर्चित क्वेश्चन रहा है, एसएल बहुगुणा यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, कुछ भी कह लें। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बायोम यानी कि प्राकृतिक परिवेश में अपघटक बहुत तीव्रता और दक्षता से कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा चौथा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है, तो ये सांप है, सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। देखिए सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसलिए है कि हाथी एवं बकरी ये सभी क्या है, प्रथम श्रेणी के हैं। हाथी बकरी प्रथम श्रेणी के हो गए और शेर जो है ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो द्वितीय श्रेणी बचा सांप। फिर है पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लास्ट विकल्प यूकेलिप्टस सफेदा
सही हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरणीय आतंकवादी यूकेलिप्टस सफेदा वृक्ष को कहा जाता है। यह अपने आसपास की भूमि से अत्यधिक पानी सोख लेता है, जिसके कारण वहां पाई जाने वाली वनस्पतियां जो है वो विकास नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो 131 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गोल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। देखिए, इसके बारे में डिटेल में अगर देखें तो गोल्फ ऑफ मैरीन या मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह जैव मंडलीय आरक्षित भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसल संधि का तात्पर्य क्या है? बेसल संधि का क्या मायने है? इसका देखा जाए तो इस क्वेश्चन का पहला विकल्प सही हो जाएगा। पहला विकल्प सही होगा कि हानिकारक उत्पादों के अंतरदेशीय प्रवाह पर नियंत्रण के लिए बेसल संधि हुई है। देखिए, बेसल संधि का तात्पर्य हानिकारक उत्पादों के अंतरदेशीय प्रवाह पर नियंत्रण है, अर्थात इस संधि के द्वारा खतरनाक अपशिष्टों का उत्पादन कम करने, उसका निपटारा करने से संबंधित था। यह समझौता 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा कारण है? तो वायु प्रदूषण ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, विश्व ऊष्मायन के लिए। फिर है, सूर्य से आने वाली हानिकारक बैंगनी विकिरण किस रोग का कारण हो सकती है? तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी रेज हैं वो त्वचीय कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो अधिकतम भूस्खलन की घटनाओं के बारे में अगर बात करें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमालय। हिमालयी क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है? जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आइस कोर सही विकल्प हो जाएगा, दूसरा आइस कोर। डिटेल में देखें तो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक यानी कि आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा अत्यंत निम्न ताप पर यानी कि क्रायोजेनिक ताप पर आइसोकोरों ग्लेशियरों का अध्ययन कर यह पता लगाया गया है कि उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसी के आधार पर जलवायु परिवर्तन का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण जो हो जाएगा वो दूसरा विकल्प विषाणु हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो पोलियो का कारण विषाणु है। पोलियो के विषाणु गंदे जल में पाए जाते हैं। इस रोग से रीढ़ की हड्डी, नाड़ी संस्थान, गला आदि प्रभावित होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए पोलियो के टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातु में तन्य है, सभी अधातु में तन्य है, सामान्यतः धातु में तन्य होती है, कुछ अधातु में तन्य होती है। तो इसका सही विकल्प देखा जाए तो सामान्यतः धातु में तन्य होती हैं, ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, परंतु सभी धातुएं या अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तो कुल मिलाकर तीसरा विकल्प सही है कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध का पाश्चुरीकरण पाश्चुराइजेशन कैसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध का पाश्चुरीकरण 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके किया जाता है। यह दूध को सुरक्षित करने की एक विधि है। तो इस प्रकार से ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर तो 5 सेकंड दिया है, जल्दबाजी में आप गलत ना करिएगा। चौथा विकल्प सही है, 71 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट और 62 डिग्री सेल्सियस पर अगर करना है तो 32 मिनट तक आप गर्म करेंगे दूध को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक विलायक कौन है? सार्वत्रिक विलायक की बात करें तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है क्योंकि इसके हाई हाई
डाई इलेक्ट्रिक, सॉरी यहां पर डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होता है, जल को H2O से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये बात करें तो फाख्ता है, फाख्ता ऐसा काम करता है। फाख्ता नामक पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, संभवतः वह सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करता है। फाख्ता पक्षी को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं कि पौधों की पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा पराग। तो पौधों की पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी जो रचनाएं दिखती हैं उनको पराग कहते हैं। फिर एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो शनि जो है वो एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो यह पौधा कौन सा है? तो ये सरसों है। देखिए सरसों के बारे में देखें तो सरसों की पत्तियां सब्जी की तरह यानी कि साग के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं तथा इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करता है? खेतों में किसान अनाज से भूसा निकालने के लिए निष्पावन विधि, इस निष्पावन विधि का प्रयोग करता है। साधारण भाषा में इसे ओसाना कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको कि आज डिस्कस किया गया है। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। इसी प्रकार के वीडियोस लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को हम लाते रहेंगे। तो ठीक है।